हम लोग बात करते हैं पारदर्शिता की और कंप्लेन करते रहते हैं कि पारदर्शी हो नहीं रहा है। सूचना के अधिकार के तहत हमें सूचना के लिए आवेदन देने पड़ते हैं जो कि होना नहीं चाहिए, और सेक्शन 4 तो हमने गिव अप कर दिया है कि सेक्शन 4 तो चलेगा ही नहीं। मैं आपसे ये नम्रता से निवेदन करता हूं कि अगर हम चाहें तो कानून में वो ताकत है कि सेक्शन 4 एक्चुअली इफेक्टिव हो सकता है। What I call designing transparency and using commission's powers under sections 18 and 19. लोग कहते हैं कि कमीशन के पास पावर नहीं है, मैं कहता हूं कमीशन के पास पावर है, जनता के पास पावर है इसको अमल करवाने का। और हम देख ले ये सेक्शन 4 का 41A, जिसको मैं इंप्लीमेंटेशन में डिजाइन कहता हूं, आज हमारे पेपर फाइल्स पे सब कुछ चलता है, इसको हम बंद कर दें। सही मानिए, कम से कम भारत देश में 30 से 40 लाख पेड़ बच जाएंगे हर साल अगर हम पेपरलेस कर दें तो ऑफिसर्स को। और ये कानून ने कहा था टू बी कंप्यूटराइज्ड आर विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री ऑन डिफरेंट सिस्टम्स दैट एक्सेस टू सच रिकॉर्ड्स इज फैसिलिटेटेड। आज 16 साल हो गए कानून पास किए, जहां तक मैं जानता हूं कंप्यूटर्स गांव गांव है। एटलीस्ट महाराष्ट्र में हर पंचायत के दफ्तर में एक कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और एक बंदा एम्प्लॉय किया जाता है कंप्यूटर चलाने के लिए। मगर पेपर फाइल्स होने की वजह से और पेपर फाइल्स पे काम होने की वजह से बहुत सारा गड़बड़ होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अगर ये पेपर फाइल्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ही हो, कंप्यूटर पे लेटर बनाए, उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया ईमेल के जरिए और वही फाइल चलती रही ईमेल के जरिए, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और हर शाम को ये डिफॉल्ट मोड हो सकता है कि जो भी काम हुआ दफ्तर में वो इंटरनेट पे जाए और अपडेट कर ले। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, समझ लीजिए एक आरटीआई आवेदन दिया आपने, अभी वो एक रजिस्टर में एंटर करता है, पेपर रजिस्टर में कितने आरटीआई आए वो नंबर गिनता है और कहता है इतने आरटीआई आए, और हर आरटीआई का उसको अलग अलग करना पड़ता है। उसके बजाय अगर डायरेक्ट कंप्यूटर पे ही डेटाबेस एंटर हो जाए कि ये आरटीआई आई इसका स्कैन इमेज ये है, या अगर सॉफ्ट कॉपी में आई तो सॉफ्ट कॉपी डायरेक्टली डाउनलोड कर ले और जवाब भी कंप्यूटर पे ही वो करके उसको प्रिंट आउट, अगर चाहे तो एप्लीकेंट को अगर प्रिंट आउट की जरूरत है तो प्रिंट आउट भेजे, एप्लीकेंट को जरूरत नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी भेजे, और वही सॉफ्ट कॉपी की फाइल चले और हर शाम को वो अपडेट होता जाए। तो जैसे यहां एप्लीकेशन आई वैसे ही अपडेट हो जाएगा कि 100 आरटीआई एप्लीकेशन 101 बन गए, कंप्यूटर पे हो सकता है। अगर एक पानी का कनेक्शन दिया तो एक कंप्लेंट आई तो वो वहां पे गई और वो कंप्लेंट का निराकरण हुआ तो वो भी कंप्यूटर पे आया, इंटरनेट पे आप सब देख सकते हैं। अभी स्पेसिफिक आता हूं कि कैसे इसको अमल किया जा सकता है, मेरा ये जरा केयर देखिएगा, अंग्रेजी में है और ये प्रेजेंटेशन शिवानंद जी सबके साथ शेयर करेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ। 18(1)(f) क्या कहता है, subject to the provisions of this act it shall be the duty of the central information commission or state information commission as the case may be to receive and inquire into a complaint from any person f kehta hai in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to such records under this act mere hisab se aur ye main ne kafi amal kiya hai aise orders complaint under section 18(1)(f) is prakar ki kuch ho sakti hai। ये पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम्स के लिए है, मगर और भी चीजों के लिए यही फॉर्मेट यूज हो सकता है। इट हैज बीन फाउंड दैट द अवेयरनेस अबाउट दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हाउ टू अवेल दीज आर नॉट अवेलेबल विद द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। आई एम रिक्वेस्टिंग द कमीशन टू कंसिडर इशूइंग अ डायरेक्टिव टू ऑल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस टू गिव डिटेल्स ऑफ द वेलफेयर स्कीम इन द अटैच्ड फॉर्मेट्स। फॉर्मेट भी आप दे सकते हैं, इट वुड बी वेरी यूजफुल इफ द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इज मेड अवेलेबल in the format given below, the complaint is being made under section 18(1)(f). इस तरह की आप complaint भी आयोग को, और आयोग अगर चाहे तो order निकाल सकते हैं इसके सामने।
सेक्शन 90 में सपोजिंग आप सेकंड अपील में पहुंचे आयोग में, यानी डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज द केस में बी हैज द पावर टू, तीन पे चले जाते हैं 19.8.8.3 बाय पब्लिशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑर्डर सेकंड अपील में कमीशन दे सकता है, उसको अथॉरिटी है इस तरह के ऑर्डर देने की, पब्लिशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो फॉर्मेट भी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरह से इसको आप दीजिए। अब ये मैं कुछ मैंने करीब ऐसे 137 या 135 ऑर्डर निकाले थे इस तरह के, और इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा देता हूं। ये ऑर्डर दिया था फूड कमिश्नर को कंसल्टेशन, और नॉर्मली ऐसे ऑर्डर निकालने के टाइम पे मैं वो डिपार्टमेंट के अफसरों को बुला के उनसे सलाह ले लेता था कि क्या आपको भी कन्वीनियंट होगा, क्या आप कर सकेंगे, कोई तकलीफ है किसी चीज में तो उसको हम अकोमोडेट करते थे। आफ्टर कंसल्टेशन द फूड कमिश्नर एज वेल एज अदर्स प्रेजेंट द कमीशन डायरेक्ट्स इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्प्लेड एट एवरी सर्कल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट, कॉपी ऑफ ऑल रेशन कार्ड विद फोटोग्राफ्स ऑफ इंडिविजुअल कार्ड होल्डर्स ऑल सिटीजंस, पूरी लिस्ट दी है और इसका अमल हुआ था ये हमने देखा था। वेक्टर टू वेरिफिकेशन को ये आरटीई के पहले का टाइम था, पीआई वाज डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट ऑल पब्लिक स्कूल्स विल डिस्प्ले एंटाइटलमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर स्कीम्स एप्लीकेबल टू देम ऑन द डेट्स बाय व्हिच दीस हैव टू बी प्रोवाइडेड, लास्ट डेट बाय व्हिच स्टूडेंट डायरीज हैव टू बी गिवन टू द स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन ऑफिसर एंड डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि पता नहीं होता अगर कुछ गड़बड़ होती है तो किसको अप्रोच करना ये पता नहीं रहता, स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को। Information should be displayed at prominent place in the school premises in both Hindi and English. ये देखिए ये board government schools में सब जगह लगाए थे और इसको enforce करने को मैंने एक काम किया था, मैंने दो जनों की टीम बनाई अपनी गाड़ी में, उनको भेजा 10 schools का जाके ब्यौरा लेने को, inspection करने को। दो schools में ऐसे board नहीं थे तो उन principals को penalty लगाई गई, और फिर सब स्कूलों में दिल्ली में जब मैं था कमिश्नर सब स्कूल्स में ऐसे बोर्ड लगते थे। दूसरा एक था एडमिशन अंडर ईडब्ल्यूएस कोटा, द कमिशन डायरेक्टेड द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टू एंश्योर बाय 25 जनवरी दैट प्राइवेट स्कूल्स रिसीविंग ग्रांट इन एड फ्रॉम द गवर्नमेंट विल पुट अप नोटिस बोर्ड्स इन स्कूल प्रीमाइसेस बाय हाईलाइटिंग टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल क्लासेस, टोटल वैकेंसीज इन ऑल क्लासेस, टोटल सीट्स अंडर ईडब्ल्यूएस कोटा, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, date by which EWS applications received will be, and date by which admission will be given. Information needs to be updated once every week and be put in both English and Hindi. वैसे ही food supplies and consumer, और ये देखिए ये internet पे ये information आ गई थी, ये हम ensure करते थे, और एक बंदे को हफ्ते में 4 घंटा सिर्फ वेबसाइट को लगा देते थे कि भाई वो जो ऑर्डर दिया है वो फुलफिल हुआ या नहीं, किसी ने नहीं फुलफिल किया किसी ने नहीं अपडेट किया तो उसको वार्निंग दी जाती थी और ये होता था। फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट उनको कहा गया कि हर रेशन शॉप पे इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी चाहिए, और इस तरह की इंफॉर्मेशन वही टेक्निक अडॉप्ट की। मैं खुद गया कार में एक संडे को, 4-6 रेशन शॉप देखा, एक रेशन शॉप में मिला कि ऐसा बोर्ड नहीं था तो उनको डिपार्टमेंट को बोल के पेनल्टी लगवाई और उनको कहा गया कि अगली बार अगर ऐसा बोर्ड नहीं पाया गया आपके उधर तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड को कहा गया कि बोर्ड एट ऑफ दिल्ली जल बोर्ड बिफोर 28 फरवरी 2010 द वेबसाइट नीड्स टू बी अपडेटेड इफ द टाइमिंग्स आर चेंज्ड। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ऐसा दिया गया, और ये देखिए पेंशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, इसमें बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको दौड़ाते हैं। मैं अफसरों को ये कहता था कि आप तो मेरे रिटायर नहीं होंगे कभी, वो कहते नहीं सर हम भी रिटायर होंगे, तो मैं कहता तो फिर क्यों आप परेशान कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी नेम्स ऑफ दोज हु अप्लाई फॉर पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड और कब अप्लाई किया वो वेबसाइट पर लाया गया है। Register of cooperative societies को following information has to be put on the website before 30th November 2009. Name of all societies under the control. हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप शिवानंद जी? शिवानंद जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर नहीं नहीं बिल्कुल हम कुछ नहीं कर रहे। Okay.
details on the registration, date by which annual returns are to be submitted by the societies. ये देखिए RCS की वेबसाइट और यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल, ये मुमकिन है, पावर है कमीशन में, कमीशन ऑर्डर इश्यू करता है। दूसरा भी एक चीज देखा है मैंने कि मेरे और ऑर्डर्स कभी कभी चैलेंज होते थे कोर्ट्स में, शायद 20,000 में से 201 ऑर्डर्स चैलेंज हुए होंगे। कुछ ऑर्डर्स कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किए, कुछ नहीं एक्सेप्ट किया, वो अपनी बात है। बट सेक्शन 4 के लिए इस तरह की कोई भी ऑर्डर चैलेंज नहीं हुए कोर्ट में, और बुरा लगता है उनको भी चैलेंज करने को, और कोर्ट को भी ऐसा आदेश देने को बुरा लगता है कि नहीं भाई ये आप इंफॉर्मेशन मत दो। लेकिन बड़ा इजीली हो सकता है, और अगर थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग किया, मना करते थे हम नहीं देंगे इंफॉर्मेशन ऐसे, हम बोर्ड नहीं लगाएंगे, तो थोड़ा सा उनको चिमकी दे दी, थोड़ा सा धमकी दे दी तो हो जाता था काम। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वेलफेयर स्कीम्स के लिए, और एक्टिविस्ट को बोलता था मैं कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बताइए, आप मुझे कंप्लेंट दीजिएगा, सेकंड अपील के जरिए आइए और मैं वो ऑर्डर दे दूंगा। वेलफेयर स्कीम्स का देखिए ये दिया गया है द्वारा, आपको दिखाई नहीं देगा मगर जब प्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को कहा था कि वेबसाइट पे फंड्स एलोकेटेड फॉर एमपीज एमएलएज एंड काउंसलर्स, इंफॉर्मेशन टू पुट अप प्रोजेक्ट वाइज, डेट वाइज, और फिर ये एमपी लाइट स्कीम का देखिए ये वेबसाइट पे आ गया था। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले थे, राशन कार्ड के लिए कोई अप्लाई करे तब से लेके आगे तक, एमएलए फंड्स के लिए और एमपी फंड्स के लिए तो ऑर्डर दिया था और ये इंप्लीमेंट हुआ था। बड़े बड़े बोर्ड लगे थे दिल्ली में कि एमएलए फंड का कैसे डिस्बर्सल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। जब मैं रिटायर हो गया, मुंबई आया, तो मैंने यहाँ के इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया अंडर ट्रायल्स के लिए। शायद आपको पता नहीं होगा, अपनी जेलों के अंदर हम कहते हैं गुनहगार रहते हैं, गलत, एक तिहाई गुनहगार होते हैं जिसको कन्विक्ट किया गया है, दो तिहाई लोग ऐसे हैं, तीन में से दो ऐसे लोग हैं जिनकी कन्विक्शन नहीं हुई है मगर वो अंडर ट्रायल, उनका ट्रायल नहीं खत्म हुआ है, और 99% इसमें गरीब होते हैं क्योंकि वो बेचारे जामीन नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखा कि सेक्शन 436A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये कहता है, इफ एन अंडर ट्रायल हैज बीन इन जेल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ही इज चार्ज्ड विद, he should be released on personal bond without bail, but many under trials languish in jail because of the poverty and lack of information. अपने देश में 65-70% जो लोग जेल में हैं, वो गुनहगार नहीं है, उन्हें गुनहगार कहा नहीं है किसी ने, उनका एक ही दोष है कि वो गरीब है। और ये ऑर्डर निकलवाया था, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अप्रोच हुए थे महाराष्ट्र के, और ये ऑर्डर दिया था। इट इज ऑर्डर सेक्शन 198 ऑफ द आरटीआई एक्ट दैट द डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड सुप्रिंटेंडेंट जनरल ऑफ पुलिस प्रिजंस महाराष्ट्र स्टेट शुड डिस्प्ले विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर द इंफॉर्मेशन ऑन अंडर ट्रायल्स इन जेल फॉर मोर देन हाफ ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट सेक्शन 436A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड on their website and on the notice board of every prison and filed with the commission its compliance report by 12/5/2013. उसके बाद मैं 4-6 महीने इसको pursue करता था, ये मेरा focus area नहीं है। 4-6 महीने तक ऐसे कोई prisoners थे ही नहीं कि जिनको half के ऊपर time हो गया और prison में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप इसको pursue कीजिए। इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह ने भी एक बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, अभी मैंने पढ़ा उसके बारे में, ऑर्डर टू गिव डिटेल्स एंड आउटकम्स ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन इन द पंचायती राज। आई सल्यूट द फेलिसिटेशन टू श्री राहुल सिंह एंड श्री शिवानंद द्विवेदी। माफी चाहूंगा माननीय शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा मगर श्री कह रहा हूँ बहुत सर मॉनिटरिंग कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है और ये जनता को करना चाहिए, पूरा मॉनिटरिंग होगी। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल हुई है, आप लोग ये देखिए वेबसाइट पे जाके,
एक आदमी को कितना अनाज मिला अगले महीने राशन में, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जन सूचना पोर्टल में मिलती है, आरटीआई एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और इससे भ्रष्टाचार और गलत काम ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। दूसरा एक सिंपल चीज हो सकता है, डिमांड दैट ऑल डैशबोर्ड्स अवेलेबल टू पब्लिक ऑफिशियल्स शुड बी अवेलेबल टू ऑल। सब सरकारी दफ्तरों में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स चलते हैं, तो एमआईएस सिस्टम में कई इंफॉर्मेशन आती है। राजस्थान में ये एक्सेप्ट किया गया है कि जो भी डैशबोर्ड्स पब्लिक ऑफिशियल्स को अवेलेबल होंगे वो जनता भी देख सकेगी। ये अगर हो गया तो भी काफी हो सकता है। अगर सब काम आरटीआई का, आरटीआई नहीं मतलब सरकार का काम अगर कंप्यूटर्स पे हुआ और पेपर फाइल्स बंद कर दी, तो जैसे मैंने कहा 25-30 लाख पेड़ बच जाएंगे देश के हर साल कितने पेड़ बच सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी बाय डिजाइन हो सकता है। Transparency in Section 4 implementation must be inbuilt and will require some effort of monitoring by citizens. अगर जनता इसको मॉनिटर करेगी, अगर जनता मॉनिटर नहीं करेगी तो ये टिकेगा नहीं। मैं दिल्ली से वापस आ गया, उसके बाद मैंने सुना है most of the Section 4 orders अभी implement नहीं हो रहे, क्योंकि किसी ने मॉनिटर नहीं किया। कमीशन कर सकता है, मगर कमीशन से ज्यादा ये जनता का दायित्व है कि ये करे। Implementation of Section 4 with Section 18(1)(f) and Section 19(8)(a) can get transparency if the commission and citizens work together. इसमें commissions को convince करना fairly easy होता है, commissioner को भी अच्छा लगता है। राहुल सिंह जी तो खैर खुद भी कर लें, पर दूसरे commissioners को भी अगर आप अप्रोच करें कि भाई ये complaint दे रहे हैं या ये प्लीज ये ऐसा ऑर्डर दीजिए। एक छोटी सी बात कहूँ, कमिश्नर को भी अच्छा लगता है ऐसा काम करके, उसको लगता है मैंने कुछ भला काम किया जिसमें डायरेक्ट उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता किसी के साथ। पब्लिक अथॉरिटीज को भी इसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। एक ही उदाहरण दूंगा इसका, म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ दिल्ली जो थे, मैंने उन्हें कुछ आदेश दिए थे डिस्प्ले करने को सेक्शन 4 के तहत, तो फिर मैं उनसे कहा, मैंने कहा ये आपको 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो भी अपने आप को 30 मार खास समझते थे। बोले सर वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा कोशिश नहीं, आपको ये करना होगा। हाँ सर हम कोशिश करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप इसका अमल नहीं करेंगे तो मैं जो भी ऐसी सूचना मांगने आएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेरे पास अपील में आएगा, मैं उसको 1,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन ऑर्डर करूंगा और ये बात मैं सबको बता दूंगा। कमिश्नर बोला सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं ऐसा ही करूंगा, और उसके बाद वो म्युनिसिपल कमिश्नर ने वो इम्प्लीमेंट किया। कोई व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है गलत तरह से, कृपा बंद करें। एक रिक्वेस्ट है सबको, वर्चुअल हियरिंग के लिए पहली अपील या अधिकारी या कमीशन के लिए खुद मत जाइए। कोरोना का काल है, कोरोना काल बंद भी हो जाए तो यदि आरटीआई एप्लीकेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने अपने दफ्तर या घर से अगर अपियर हो तो बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट्सएप बहुत लोग कर सकते हैं, इसके लिए देश भर में हमें प्रेशर डालना चाहिए। ये करने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी, और कोई नहीं करेगा इसको। कमिश्नर्स राहुल सिंह जी जैसे कर सकते हैं बट सब नहीं करेंगे, मगर यदि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे जो इंफॉर्मेशन आप चाहिए वो डिस्प्ले हो सकती है, और वो फिर कमीशन का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं उसका थोड़ा सा आप परस्यू कर ले तो बहुत फर्क पड़ सकता है। हम लोग कहते हैं मेरा भारत महान, मगर मानते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत महान नहीं है, पर ये दोष मेरा है। मैं इस देश का नागरिक, मेरी जिम्मेवारी है, मैं इस देश का शहंशाह बादशाह बेगम हूं, मेरी जिम्मेवारी है। और अगर हम सबने ये जिम्मेवारी निभाई तो मेरे ख्याल से हम सेक्शन 4 का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। कानून में ये प्रावधान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपका रहा है। और अब हमारे पास तो बहुत शब्द नहीं है, इसमें मैं बीरेश जी को आमंत्रित करूंगा। वी वुड लाइक टू इनवाइट अगेन मिस्टर बीरेश जी फ्रॉम बेल्लूर, एंड इफ यू कुड प्लीज ऐड सम ऑफ योर थॉट्स इन दिस मैटर। नो आई हैव नथिंग टू ऐड हियर। शैलेश भी आए हैं, मेरा अनुरोध है शैलेश जी से, सर व्हाट इज हैपनिंग हियर
the performance of the information commissioners is to be monitored regularly. And there are a lot of complaints are being filed against the functioning of the information commissioners before the governor. But governor, what he's doing in Karnataka is, he's mechanically transferring all those complaints to the chief information commissioner. And finally, all complaints are being filed in the information commission without taking any action. No, this has resulted in dereliction of duty, malfunctioning, and corruption by some of the information commissioners. And I have already told, there are about 30,000 cases are pending before the information commission right now. Information commissioners are not hearing the cases in accordance to the seniority. This has become a very problem for us, sir, here. 2015, 16, 17, 18 cases are still pending without any hearing, but some of the commissioners are hearing 2020 and 21 cases. So there is pick and choose policy they have adopted for hearing of cases. This has become a very problem for us, and how we can solve this problem, sir. वीरेश जी, आप जो बता रहे हैं ये बताता है मेरे हिसाब से, अगर मैं बेबाक तरह से कहूं, कि कमिश्नर्स वो पोजीशन के लिए लायक नहीं है. विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ग्रेट पेन आई एम सेइंग दिस, बड़ा खेद होता है ये कहते हुए कि जो कमिश्नर ऐसा करते हैं वो उस पोजीशन के लायक नहीं है. दूसरा, 2015-16 से अगर अपील्स कंप्लेंट्स पेंडिंग है तो हमें ये हमारा दोष भी है, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूं मगर आरटीआई एक्टिविस्ट इसको उठा नहीं रहे. हर कमिश्नर को 5,000-6,000 डिस्पोजल्स हर साल देने चाहिए. yes, वो जब तक नहीं होगा. कर्नाटक में बहुत विचित्र हालत है, वो कोर्ट के जैसा अपने आप को मानते हैं. तो कोर्ट में जो गलत होता है वो हमें भी करना चाहिए. बहुत बार सेम मैटर की हियरिंग होती है क्योंकि एक हियरिंग में 99% ऑफ द केसेस शुड बी फिनिश्ड और ओवर 90%. यस सर, रेयर केस को दूसरी हियरिंग की जरूरत है, हियरिंग की जरूरत नहीं है. और मैं ये आपको भी बताऊं, अगर कमिश्नर को जाके आप मनाइए, दबाव डालिए या धरना कीजिए कि आपको 5,000-6,000 डिसीजन देने चाहिए हर महीने, हर साल, सॉरी. और एक छोटा सा आपको इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं. All India average of disposals by high court judges who are not very efficient. Yes, sir. Yes. Is about 2,600 to 700 cases per year. और high court के judge के सामने जो average complexity है case की, उससे information commissioner के सामने जो case है उसकी complexity बहुत low है. तो दोपहर या तीनपहर काम होना चाहिए information commissioners का हाई कोर्ट जजेस के कंपैरिजन में. वही मैं 5,000-7,000 जो कह रहा हूं. और अगर वो हो तो ये पेंडेंसी बढ़ेगी नहीं, बिकॉज दे मस्ट फील रिस्पॉन्सिबल. और ये जो आप कह रहे हैं, अगर क्यू ब्रेकिंग है और अगर पिक एंड चूज कर रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है. दिस इज लैक ऑफ इंटेग्रिटी, लैक ऑफ, ये तो बेमानी है. Now, sir, even courts are being monitored by the high courts. Functioning of the performance of the judges are being monitored by the high court, like the high courts. Likewise, performance of the high court judges are being monitored by the Supreme Court. But unfortunately, for performance of the information commissioners not being monitored by any of the agencies. Suppose if you take the consumer forums, district commission performance is being monitored by a state commission. State commission performance is being monitored by the center, national commission. But here, there is no monitoring system for the functioning of the information commissions. That is one of the reason for all these problems, sir. That is not the problem, Vinesh ji. एक समझिए, आपके consumer के जो commissions हैं वो effectively काम कर रहे हैं क्या? आपकी माइनॉरिटीज कमीशन, वुमेन्स कमीशन, चिल्ड्रंस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये मॉनिटरिंग का ढकोसला अलग है. प्रॉपर लोग सिलेक्ट होने चाहिए पहली चीज. दूसरा, उनकी मॉनिटरिंग मेरे हिसाब से हर 2 महीने पे अगर आप इनको मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और रिपोर्ट निकालें, ऑन ईच कमिश्नर इफ यू डू दिस देयर विल बी प्रेशर. आज गधा घोड़ा सब एक साथ चल रहा है,
There is no appreciation or differentiation between a good commissioner and a bad commissioner, which is civil society's problem. हम लोग monitor नहीं करते हैं. To give one example, which again I'm doing with great pain. लोकपाल के लिए लाखों लोग सड़क पे आ गए थे. आज लोकपाल बन गया, दिल्ली में है, 8-9-10 लोग हैं. वो क्या काम करते हैं किसी को पता नहीं है. Because civil society does not monitor the work of these people and get accountability. ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से सर हमारी है, आपकी है, मेरी है. हम फेल हो रहे हैं, ये फेलियर हमें कहीं इसमें से ऊपर उठना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, that is definitely. Yeah, we have to monitor the performance. Yes, that we will do it, sir. Definitely, we will do it. Everywhere, not just Karnataka. I am saying central commission, all yes. State commission. We should monitor this. Your local activists should take interest and monitor the functioning of the commission. Yes, sir. Thank you. And I think regarding this matter, Sri Shailesh Gandhi sir has already made one draft and circulated to almost all of us who are participating in this event. And I think none of us has taken any concrete action regarding that. The issue was Karnataka High Court and Kolkata High Court has already given an order that the second appeal in those respective information commissions has to be disposed within 45 days. So the same we should ask in other information commissions. But I think we have not done anything in that, and I have already asked several times to the participant that we should take some concrete action. So I think this is the time. हमें लगता है कि ये समय है जब हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए. और श्री शैलेश जी ने एक बार पुनः जो मैटर यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इशू रेज किया हुआ है, हम लोगों को वो लीगल नोटिस सर्व करने के लिए प्रयास करना चाहिए. और हमें लगता है कि वो सबसे बेहतर तरीका होगा कि जब तक हम लीगल नोटिस सर्व नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन को और ये उनसे नहीं पूछेंगे कि आप मामले का डिस्पोजल टाइम बाउंड मैनर पर क्यों नहीं कर रहे हैं, तब तक उनके कान में जू नहीं रेंगेगी. और ये हमें लगता है कि बहुत आवश्यक है. और जो भी हमारे सभी स्टेट्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इस विषय पर आप लोग जरूर विचार करें एक बार पुनः. तो हमें लगता है कि इसमें आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं. आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं क्या? ओप्पो सम ओप्पो टाइप इज शोइंग हियर बट आई थिंक नो पिक्चर्स आर देयर. तो मुझे लगता है कि आत्मदीप सर शायद अभी नहीं जुड़े हैं. तो चलिए अभी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. और अब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो साथी हैं, नित्यानंद जी हैं. नित्यानंद जी इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कोर्ट में क्या कुछ मैटर्स हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड जा रहे हैं और कितने सारे प्रकरण जो ऑलरेडी हमारे कमिश्नर्स जो ऑर्डर देते हैं उसके विरुद्ध जो लोग स्टे लेने जा रहे हैं उसकी क्या स्थिति है और इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे. नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? एक छोटी चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें. कोर्ट्स को कोई अपील सुनने का अथॉरिटी नहीं है कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ. सिर्फ रिच जुरिस्डिक्शन में कमीशन को अप्रोच, अरे हाई कोर्ट को अप्रोच हो सकता है. और रिच जुरिस्डिक्शन नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स के डिफेंस के लिए होना चाहिए. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब रिच जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो इट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल रिच जुरिस्डिक्शन. इस चीज को मेरे हिसाब से हमें हाँ, but but how we can deal with that? मतलब इसको हम कैसे arrange कर सकते हैं? क्या इसका clear जब भी applicant के favour में जो decision है वो अगर challenge होता है high court में, तो मेरे हिसाब से high court को ये कहना जरूरी है applicant की तरफ से कि सर पहले तो आप इसको writ jurisdiction में ये justify कीजिए. अगर writ jurisdiction में नहीं है और writ jurisdiction में क्या है इसके लिए supreme court के निर्णय है हरी विष्णु कामत और दूसरे केसेस में. ओनली सर्टन मैटर्स कैन बी. एंड दूसरा ये भी कहना चाहिए कि रिट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स के डिफेंस के लिए होना चाहिए. सरकारी डिपार्टमेंट्स को कोई फंडामेंटल राइट्स हो नहीं सकते. फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस के होते हैं.
तो इन मुद्दों पे भी हमें बहस करनी चाहिए। मैं आज तक एक ही ऐसा डिसीजन देखा है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैटर रिट जुरिडिक्शन में नहीं आती है। जैसे पेनल्टी लगी है अगर पीआईओ पे, तो ये मैटर रिट जुरिडिक्शन में आ ही नहीं सकती है, बिकॉज उसमें फैक्ट्स डिटरमिन करने हैं, जिसको रिट जुरिडिक्शन में करने का कोई अधिकार नहीं है हाई कोर्ट को। हमें यहां से शुरुआत करनी चाहिए, लॉयर्स एप्लीकेंट्स को यह समझना चाहिए कि रिट जुरिडिक्शन स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है। ये कानून ने कहा है कि अपील नहीं कर सकते आगे आप कमीशन के। सर जैसे इसमें जो भी लोक प्राधिकारी होते हैं, जो भी पीआईओ होते हैं जिनके विरुद्ध पेनाल्टी लगती है, और वो सीधे हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहां पे डब्ल्यूपी लगाकर रिट पिटीशन लगाकर वो स्टे ले लेते हैं, तो जब हमें उसमें नोटिस आए कि हमें भी अपना जवाब रखना है, तो हम वहां पे क्या किस तरह से अपना ऑथेंटिक तौर पे रखें कुछ प्रूफ के साथ में? आप चाहे तो मैं आपको इसका स्लाइड डिटेल आर्टिकल भेज सकता हूं, क्योंकि ऐसे समझा रहा हूं। मेन मुद्दा ये है कि ओनली रिट जुरिडिक्शन में जा सकता है, और ये मैटर रिट जुरिडिक्शन में है ये पहले कोर्ट को तय करना है स्टे देने के पहले। अगर रिजोल्यूशन में नहीं आता है, रिजोल्यूशन में है, ये जस्टिफाई करना चाहिए, और ये मैटर रिजोल्यूशन में आ ही नहीं सकती, बिकॉज इट विल बी रिगार्डिंग। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आयोगों के किसी भी फैसले को गवर्नमेंट रिट में नहीं जा सकती है। ये बात अगर बाकी लोग इस चीज को अच्छे से समझ लें तो ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। रिट का जो दायरा है वो केवल जो आप कह रहे हैं उसी पे ही है, और वो व्यक्तिगत लोगों के लिए, रिट सरकारी व्यवस्था के लिए कोई प्रोविजो नहीं करता है, ना 226 करता है, ना 32 प्रोविजो देता है कि कोई सरकारी व्यवस्था जिसने अपने कार्यों के प्रति दुर्भावना से या किसी भी कारण से कार्य नहीं किया है उसको रिट में कोई भी रिलीफ नहीं प्राप्त हो सकती। ये बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ साथ ज्यादातर मामलों में जो हाई कोर्ट जो गलतियां कर रहे हैं वहां पर वो 1/25 सुन लेता है, एटलीस्ट आयुक्त को वहां पर जो भी आयोग को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर जनरल एडवोकेट जो है उसको आयोग का क्या मत था ये फैसला देने से पहले अपने काउंटर में जरूर समिशन में देना चाहिए, बट ये भी नहीं होता है कि आयोग का जो जी। इसमें मेरा मत थोड़ा अलग है आपसे। मेरे हिसाब से कमीशन इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी। आप लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो लोअर कोर्ट के जज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हाई कोर्ट के निर्णय के सामने तो हाई कोर्ट पार्टी नहीं होता है। वैसे ही मेरे हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, इसको पार्टी बनाना मेरे हिसाब से गलत है। नहीं सर, पार्टी तो होता ही है, पार्टी तो होता है लोअर कोर्ट हमेशा। हम जिस भी आदेश के लिए सरस्वती में जा रहे हैं, आदेश की सरस्वती के लिए, तो उसको तो पार्टी बनाना। मैं नहीं सर, मैं आपको आज की परिस्थिति कहूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आप कमीशन के डिसीजन को चैलेंज करके कमीशन को पार्टी बनाते हैं तो आपका पिटिशन एक्सेप्ट नहीं होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर कमीशन को पार्टी नहीं बनाते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये हाई कोर्ट्स में भी सब अलग अलग तरीके हैं, बट सही मानों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन डिस्चार्ज करता है उसको पार्टी बनाना मेरे हिसाब से गलत है। नहीं सर, लॉ यही कहता है कि हम जिसके ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं उसको पार्टी नहीं बनाएंगे, तो हम उसके ऑर्डर को चैलेंज कैसे करें? नहीं, क्योंकि ये फर्क ये है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर अगर एक ऑर्डर निकालता है तो उसमें वो एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है। ये मेरे हिसाब से फर्क है, बट आज इंडिया के कोर्ट से अलग अलग पोजीशन लिए सुप्रीम कोर्ट। अन्य जो भी लोग हैं कृपया अपने आप को म्यूट करके रखें, क्योंकि अननेसेसरली जो वॉइस आ जाती है वो नॉइज डिस्टर्ब कर रही है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को म्यूट करके रखें। हाँ सर प्लीज। तो ये जो है ये थोड़ा विवाद है, बट आई थिंक ये मुद्दा कोर्ट्स के कानों पे हमें डालना शुरू करना चाहिए। और शिवानंद जी, मैं आपको 2-3 फाइल भेजूंगा अगर पार्टिसिपेंट्स के साथ सबके साथ शेयर कर सके आप। हाँ जरूर करिए सर। बिल्कुल सर, मैं शेयर करूंगा। शिवानंद जी, मेरा इस बारे में था कि मैं अभी कोई परिवाद दर्ज कराना चाह रहा हूँ। परिवाद का निर्णय हुआ है, आयोग के खिलाफ ही परिवाद थे, उसमें जो निर्णय किया गया
उसी के खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाना चाहता हूँ। ये सर का पॉइंट पे मैंने विचार किया कि उनको कैसे चैलेंज करेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त को कैसे चैलेंज करेंगे, हम ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, ऑर्डर उन्होंने गलत पास किया है। तो आप ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो, अनलेस हाँ तो जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, यस सर, मेरे हिसाब से फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी को भी बुलाना कमीशन में गलत है। जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस मुद्दों पे वो डिसीजन देते हैं, अगर बहुत ही खराब डिसीजन है तो वो फिर अलग चीज है, बट नॉर्मली मेरे हिसाब से कोई नहीं। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस केस है जो मेरे हिसाब से बहुत खराब केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कमीशन ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके विरुद्ध डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चपत लगा दी, 1,00,000 रुपए की पेनल्टी लगाई कर्नाटक कमीशन पे कि आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप आए हमारे पास। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वीरेश जी को पता है ये निर्णय। मेरा निवेदन था कि कार्य प्रणाली से, आयोग की कार्य प्रणाली से संबंध ही थी परिवाद थे, जो अपन ने पहले डिस्कशन किए 4(1)(b) पे जो सारी चीजें डालनी चाहिए, 100 वोटो डिस्क्लोजर करनी चाहिए, उसके लिए मैंने अपील की थी, अपील प्रथम अपील की और प्रथम अपील ने कह दिया था लोक सूचना अधिकारी को सवन से सूचना देनी रह गई है, तो मैंने उसको फिर 2 स्मरण पत्र देके 3 स्मरण पत्र देके फिर मैंने परिवाद दर्ज कराया। परिवाद दर्ज किया तो परिवाद में मैंने लिखित बहस दी माननीय। परिवाद का मतलब क्या दोस्त? सर 18(1) में कंप्लेंट जो प्रथम अपील अधिकारी की जो पालना नहीं की एक्ट की उस अनुसार उसकी कंप्लेंट की मैंने, तो कंप्लेंट में अभी जो निर्णय मिले मेरे को सर, मैंने जो लिखित बहस दी उसका 1% भी हवाला उस निर्णय में नहीं दिया गया, और बट के उसमें एक ये लिखा जा रहा है के वर्तमान प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी के अत्यंत स्थानांतरित होने चले जाने के कारण प्रथम अपीली अधिकारी के निर्णय की पालना समय पर नहीं की जा सकी, बस। नहीं वो गलत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर, उस केस में आपका कंटेंशन ये है कि निर्णय गलत नहीं, आयोग का काम करने का तरीका ही गलत है, वो थोड़ा अलग हो गया, मैं उसके जिक्र नहीं कर रहा हूं, उस केस में मुझे भी श्योर नहीं है क्या होना चाहिए, मगर निर्णय के खिलाफ जब आप जाए कि ये निर्णय गलत है तो मेरे हिसाब से आयोग को पार्टी बनाना सही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, और देश के हाई कोर्ट्स अलग अलग चीज मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ मानता है कभी कुछ मानता है, तो मैं भी नक्की नहीं कहता हूं, मगर मुझे ओवरऑल ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में निर्णय के खिलाफ जब आप जा रहे हैं तो उसको पार्टी नहीं बनाना चाहिए, मगर उसके पहले रिट ज्यूरिसडिक्शन में ये बैठता है कि नहीं वो हाई कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए और रीजंस देने चाहिए कि कैसे ये रिट ज्यूरिसडिक्शन में बैठेगा। ये बात बिल्कुल सही है सर, रिट का ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए, अगर सरकारी कार्यालय के सरकारी बाबू लोग रिट में जा रहे हैं आयोग के आदेश के खिलाफ, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये जरूर डिसाइड करना चाहिए कि ये ज्यूरिसडिक्शन अलाउ कैसे हो रहा है इनका, उस पे जरूर दो बार दो जरूर कहने की जरूरत है उनको। मेक्सिको में अगर कमीशन के निर्णय के सामने जाते हैं तो सरकारी अमलदारों को बिल्कुल वो खड़े नहीं रखते हैं कोर्ट, एक ही अपवाद है वहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई और उस पे अगर वो कहते हैं कमीशन ने गलत डिसीजन दिया तो कोर्ट सुनती है, नहीं तो नहीं सुनती है, पब्लिक अथॉरिटी तो सुनती नहीं है मेक्सिको में, यहाँ पर तो ज्यादातर निर्णय स्टे कर देती है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने वो लीगल पॉइंट उठाया ही नहीं है सर, अभी एक मेरे केस में मैं लड़ रहा हूँ उसमें माननीय आयुक्त महोदय ने कहा था सूचना जो उपलब्ध है वो उपलब्ध करा दी जाए, और नेशनल NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसी कोर्ट में लेके आई के साथ इस पे स्टे कर दिया जाए, कोर्ट ने मैंने एक में हियरिंग में कहा, मैंने कहा सर इसका निर्णय कर दें आप जो भी करना है, और फर्स्ट इन्होंने सूचना जो लिखा आदेश में कि सूचना जो उपलब्ध है वो कराई जाए, ये बाउंडेड नहीं है, मतलब कि सूचना है देनी है, इन्होंने जो शब्दों का उपयोग किया है चूज किया है माननीय आयुक्त महोदय ने, जो सूचना उपलब्ध है वो कराई जाए, तो ये फिर क्यों आ रहे हैं कोर्ट में, तो मतलब है। आपको चैलेंज करना चाहिए कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा वो मेरे को सर ऑर्डर
आप मुझे ईमेल भेजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ सर, अभी आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें आप एक चीज बोल रहे थे कि जो आरटीएफ एक्टिविस्ट्स हैं उनको वर्चुअल हियरिंग के लिए मतलब बोलना चाहिए। हाँ जी, हाँ सर, मैंने एक फर्स्ट अपील की अभी हियरिंग में मैंने यही बात रखी थी, जिसके लिए मेरे पास दो दिन पहले कॉल भी आया था आरटीआई इंचार्ज का, उस पर उनसे मेरी बात हुई, लेकिन वो ऑर्डर पहले से ही बना के बैठे हुए थे, मतलब हियरिंग नहीं की उन्होंने लेकिन ऑर्डर ऑलरेडी उन्होंने बना रखा था, और उसके बाद वो ऑर्डर मेरे को इन्होंने कल भेजा है जिसपे डेट भी पहले की डली हुई है, तो इस केस में सर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने वर्चुअल हियरिंग की डिमांड की। सर भाई, यही वर्चुअल हियरिंग की अपनी जगह बात है, वर्चुअल हियरिंग में आपको गवर्नमेंट से कुछ आदेश निकलवाना पड़ेगा या कोर्ट से। हम लोग महाराष्ट्र में कोर्ट में गए और कहा वर्चुअल हियरिंग का ऑर्डर निकालिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हम पीछे पड़े हैं यहाँ पे। ये वर्चुअल हियरिंग परमानेंट मैं कह रहा हूँ, सिर्फ कोरोना के टाइम पे नहीं। तो ये आवाज उठाए, कमिश्नर्स को कहिए कि वो ऑर्डर्स निकाले, जीएडी को कहिए, गवर्नमेंट को कहिए कि ऑर्डर्स निकाले, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर कोर्ट से आदेश लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे बीच में आदिदेव सर भी जुड़े हुए हैं, तो अभी उनको मैं इनवाइट करूंगा कि सर आप भी कुछ इसमें अपना अपने विचार सर इसमें जोड़ें। आदिदेव सर सुन पा रहे हैं? आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं? सर आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा और अनम्यूट करना पड़ेगा। आज हमें लगता है कि आत्मदीप सर भी सिर्फ सुनने के मूड में है, कुछ बोलने के मूड में नहीं है, तो चलिए हम आगे का भी प्रश्न ले लेते हैं। हमारे बीच में सुरजीत सिंह जी हैं, एक सुरजीत सिंह जी आप इसमें भी नए हमारे पार्टिसिपेंट से जुड़े हुए हैं, कोई यदि आपके बातें हैं, यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया आप रखें। चैन घोष हैं, नए पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं हमारे बीच में। हेलो शिवानंद जी। हाँ राजकुमार जी। नमस्कार। हाँ, गांधी है आपका। गांधी सर का प्रणाम मेरी तरफ से। बेसिकली सब मेरे को एक चीज पूछनी, बेसिकली मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपको तो पता ही है मेरी एक हाँ। जो गांधी सर ने सारा जो बताया है, जो पहले बताया था कि आपका कैसे कैसे ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, मैं जैसे दिल्ली में कराया था उन्होंने वो सारे किए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है साहब, उनको अपने पोर्टल इस पर डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, ताकि लोगों को क्या क्या मांगना है, कैसे कैसे मांग सकते हैं उसके लिए। एक वेबसाइट है जहां पे आपको इसमें से काफी चीज मिल जाएगी, मैं वेबसाइट का एड्रेस चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही बस वही सब वही चाह रहा था मैं आपसे। अच्छा दूसरा साहब, एक और चीज मैं आपसे लास्ट टाइम ही मैंने कहा था, और मैंने ये चीज मांगी थी, जैसे आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा था, तो आपने ये कहा था कि आपका 15 मार्च एवरी ईयर्स एमसीडी और दिल्ली नगर निगम को हर जगह आपको डिस्प्ले करना है कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस के माध्यम से क्या क्या काम कराया गया है, परंतु साहब मैंने जानकारी मांगी तो वो उल्टा सीधा घुमा के दे देते हैं उस चीज के लिए। अब उसके बाद बहुत बदल गया, न किसी एक्टिविस्ट ने उसको परस्यू किया कि मैं जब गया, न किसी कमीशन ने परस्यू किया, तो अब मेरी परिस्थिति ध्यान में नहीं है, बट कमीशन में आप आज भी जाके कह सकते हैं कि ये कमीशन का आदेश था, ये पालन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जो 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 आपके जो शब्द हैं वो मेरे पास हैं, उसमें बुक में है एक में, तो बुक की फोटो कॉपी करा के आयोग को लिख सकता हूँ उस चीज के लिए। अब वो आयोग क्या करेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट जरूर दीजिए, क्योंकि ये भी कमीशन का ऑर्डर था, शैलेश गांधी का नहीं था वो। ना ना, वो कमीशन जब आप उस समय थे तो कमीशन में थे साहब आप, मैं कमीशन के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए। मेरे हिसाब से उनको मानना चाहिए वो ऑर्डर, या रीजन देने चाहिए कि क्यों वो ऑर्डर गलत है। ओके ओके सर, ओके ओके, धन्यवाद सर, प्रणाम साहब। हमें लगता है कि जिस तरह से गांधी सर ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है वो ध्यान देने योग्य बात है, कि हर ऑर्डर जैसे आयोग एक ऑर्डर दे देता है, कोई भी सूचना आयोग एक ऑर्डर दे देता है धारा 4 की जानकारी पब्लिक पोर्टल पर लाने के लिए। इस तरह से जैसे अभी अपन एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पंचायत वाला जो मामला था धारा 40-92 वाला, सरपंचों के पद से पृथक करने और साथ में इनकी वसूली की जो कार्यवाही होती है वो पब्लिक पोर्टल पर लाने के लिए, ठीक है, इसमें अभी हम जब तक हैं तो इसको फॉलो करेंगे, जब तक राहुल सर हैं
वो उस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि यदि ये जानकारियां नहीं होती है, मतलब नहीं विभाग यदि इस चीज को मतलब पब्लिक पोर्टल पर नहीं रखता है, तो हम पुनः शिकायत करेंगे उनसे, हम फॉलो करवा लेंगे, क्योंकि हम सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के देखेंगे कि सभी जिला पंचायत में ये जानकारियां पब्लिक हुई हैं कि नहीं हुई है। लेकिन जैसा गांधी सर ने कहा, और हम लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जो भी धारा 4 की जानकारियां हैं वो रेगुलर अपडेट होती रहे, और जो भी हम लोग मतलब काम करने वाले लोग हैं, RTI यूजर्स हैं, जैसे भी लोग हैं, तो हम लोगों को ये निरंतर उस विभाग के भी संज्ञान में लाते रहना पड़ेगा, और साथ में विभाग यदि कार्यवाही नहीं करता है तो आयोग के संज्ञान में टाइमली लाते रहना पड़ेगा, मतलब जब जिस समय जो भी आयुक्त हो, जैसा भी आयोग काम कर रहा हो, तो क्योंकि ये ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि एक बार ऑर्डर हो गया है तो सारी जानकारियां वो पब्लिक पोर्टल पर आ ही जाएंगी, और आ जाएंगी तो हमेशा वो अपडेट होंगी ही, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ये हम लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा। शिवानंद जी, मैं कुछ जोड़ना चाह रहा था, मैं भी एक जानकारी ले रहा था, KGMU जो है उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसमें मैं देख रहा था धारा 4 की जो जानकारी है, उन्होंने खाली धारा 4 की जानकारी के जो 12-15 पॉइंट है खाली वही डाल रखे हैं सर उन्होंने उसमें, जो एक्ट है खाली एक्ट का एक पेज है, खाली एक पेज वही डाल रखा धारा 4 की जानकारी के अंतर्गत पोर्टल पे, तो उसका क्या किया जा रहा है? नहीं नहीं वो एक्चुअली गलत है, और इसके लिए ही तो हमें कंप्लेंट करनी है, अभी सेक्शन 18 की हमें कंप्लेंट करनी है संबंधित, तो भी अपना आप चाहे तो इस मामले में सीधे धारा 18 आयोग को शिकायत, सूचना आयोग को सीधे शिकायत करें कि इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये चीजें अनुपालित नहीं हो रही। ठीक है धन्यवाद। बिल्कुल धारा 18 की शिकायत हमें करनी पड़ेगी। अन्य कोई आप लोगों के प्रश्न है तो कृपया आप पूछ सकते हैं। हेलो जी भाई साहब, नमस्कार। धीरेन्द्र जी बताइए। यह है कि उप संचालक किसान कल्याण का एक निर्णय हुआ था 3 तारीख को 3/3/2021 को, तो उसमें वहां जाते हैं तो हमें ऑफिस में दिखाते नहीं है, और अगर आवेदन देते हैं तो आवेदन लेते नहीं है, और बकाया धमकी देते हैं, केवल हमारे पास रजिस्ट्रियां आती, हम भी एक रजिस्ट्री आयोग के लिए कर दिए हैं, कैसी ऐसी स्थिति है। कहां की बात कर रहे हैं आप? रीवा से हैं, रीवा से। तो रीवा में भी ये हाँ, तो रीवा में क्या स्थिति है, वो आपका RTI नहीं ले रहे हैं? नहीं, RTI का निर्णय पारित हो चुका है 3/3/2021 को, और उसके बाद जब वहां हम देखे आयोग से, आयोग से राज्य जी, तो उसके परिपालन के संबंध में वहां गए हम, तो हमें जानकारी दिखाई नहीं गई कि हम पत्र भेजेंगे, जब पत्र आया तो हम गए तब भी नहीं दिखाया गया, हमने आवेदन दिए वहां, आवेदन रिसीव नहीं दी गई हमें। ऐसा संभव नहीं है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं, कुछ भी संभव है, हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे RTI हैं जिसपे आयोग ने आदेश दे दिया है कि आपको जानकारी देना है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। मानना है कि किसी भी आयोग जिस भी आयुक्त ने फैसला दिया है, उस आयुक्त का फैसला उसके कार्यालय में रखा होगा, और कार्यालय से आप फैसला, क्योंकि आप खुद उसमें अपीलार्थी थे, तो आपका ये निहित अधिकार है, आपको मिल जाएगा, मना करने का कोई नहीं बनता। धीरेन्द्र पांडे जी, आप वो जैसे फैसला हुआ है, वो फैसला आपके पास है क्या आयोग का? आपके पास फैसला है? हाँ। तो फैसला में ये कहा होगा कि किसान कल्याण विभाग अमुक जानकारी, मतलब सर्टेन जानकारी वो आपको उपलब्ध करवाए, लेकिन किसान कल्याण विभाग आपको सर्टेन जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहा है, आपको ये कहना है? नहीं करवा रहा है। हाँ, मैं समझ गया, इसी को कंप्लायंस बोलते हैं। आयोग ने तो बहुत सारे ऑर्डर दे के रखे हैं, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, वो सही बात है, तो धारा 18 की एक और शिकायत आपको करनी पड़ेगी आयोग के समक्ष। तुरंत आयोग के समक्ष एक शिकायत लगा दे जी। लगातार बिल्कुल कंप्लायंस की बात के बीरेश जी ने भी शुरू में ये बात जोड़ी है कि कंप्लायंस नहीं हो पा रहे हैं आयोग, मतलब ऑर्डर का सही तरीके से कंप्लायंस भी नहीं हो पा रहे हैं, और हम लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि आयोग के आदेश के बावजूद भी जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पा रही। चलिए, अगला कोई प्रश्न आप लोगों के पास है? मैंने तो इस मामले में कई बार आयुक्तों से इस बात का अनुरोध किया है कि हुजूर आप 15 दिन में आदेश पारित की जो राय देते हैं और वाद निस्तारित कर देते हैं, आप 1 महीने बाद
वाद को निस्तारित करिए, आप 15 दिन में सूचना उपलब्ध करवा दीजिए, फिर आप वाद को निस्तारित करिए, लेकिन आप इस तरीके के आदेश को पारित करके, ये पॉइंट आपका आलोक सिंह जी आपके आदेश को पारित पूरी तरह सहमत है, आदेश कंप्लायंस भी नहीं होगा और ये पत्रावली भी दाखिल दफ्तर हो जाती है, तो कृपया ऐसे आदेश आयोग का करें। आयोग का क्या है कि उनको भी अपनी पेंडेंसी, तमाम दबाव है तो उनको भी अपनी पेंडेंसी खत्म करना है ऐसा बता देते हैं, तो फिर कभी जब सो करके जागते हैं तो वो अचानक ऑर्डर पे ऑर्डर देते जाते हैं और उसके कंप्लायंस में उनको कोई लेना देना नहीं। हमें एक आवेदक के रूप में पेंडेंसी से कोई मतलब नहीं है, हमें वो आदेश चाहिए जिसमें हमें सूचना प्राप्त हो जाए, फिर आप हमारे वाद को दाखिल दफ्तर कीजिए, आपका आदेश की 15 दिन में सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है, तो हमको अपील में कोई भी अपील में जाने का कोई भी प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ, आप हमारी अपील हमें लगता है कि हमें लगता है कि इस विषय में हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करनी पड़ेगी और एक आयोग में सभी आयोगों में RTI लगाकर पेंडेंसी की मतलब पेंडेंसी नहीं की मतलब जितने ऑर्डर हो चुके हैं आयोग के द्वारा और उनपे जो कॉम्प्लायंस नहीं हुए हैं इसके बाद जो उनको धारा 18 की शिकायतें प्राप्त हुई हैं इसकी जानकारी हमें निकालनी पड़ेगी और ये जानकारी निकालने के बाद इनको एक इसी तरह से एक लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी कि आपके आपके आदेशों पे कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है, इतने सारे आदेश हैं जो हमने RTI लगा करके आप ही के कार्यालय से निकलवाई है और इस पर आप एक्शन लीजिए और उसमें कुछ सजेशन आप रखिए लीगल नोटिस के साथ में कि इसका पहले आप कंप्लायंस पे ध्यान दीजिए और इसका डिस्पोज मत करिए, डिस्पोज ऑफ इस तरह से ठीक नहीं रहता है कि इसको नस्ती पे डाल दिया जाए, पहले जानकारी मिल जाए इसके बाद नस्ती पे डालिए, और यदि वो नहीं मानते हैं तो हमें लगता है कि हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और वही एक तरीका हो सकता है, बाकी और इसमें क्या कह सकते हैं। गांधी सर इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। इसको दो तरह से देखा जा सकता है, कंप्लायंस का इशू हमेशा ही रहा है, अगर अगर आयोग नॉन कंप्लायंस को बहुत सीरियसली ले ले, कंप्लेंट के तौर पे रजिस्टर करे ना करे, कंटिन्यूइंग मैंडेट्स रखे ना रखे, तो भी ये काम हो सकता है, और जैसे दूसरा ये कह रहे हैं कंटिन्यूइंग मैंडेट्स कि भाई वो हर केस को दो हियरिंग होंगी, जो भाई साहब सजेस्ट कर रहे हैं हर केस में दो हियरिंग होगी, एक हियरिंग में कहा कि सूचना दो, दूसरी हियरिंग में ये निस्तारण करेंगे कि हाँ सूचना मिल गई, तो दोनों अप्रोच सही है। मैं जैसे कि ये करता था कि कोई भी नॉन कंप्लायंस की कंप्लेंट आए तो उसको